आप मुझे इस स्लाइड में जान सकते हैं माय नेम सिद्धांत शर्मा दीजा मैं क्रेडेंशियल जो वही है ये मेरा रेफरल कोड है सिद्धांत लाइव इसको यूज करके आप लोग जो है दस नहीं बीस का डिस्काउंट लेंगे कब तीस जून तक ठीक है तो भाई जल्दी जल्दी ले लेना अगर लेना हो तो

आप लोग जो है वैसे नॉर्मली टेन परसेंट डिस्काउंट होता है फ्लैट का डिस्काउंट है है आपको बस ये रेफरल कोड यूज़ करना सिद्धांत लाइव सिद्धांत लाइव यूज करते ही आपका जो है मतलब जो भी कॉस्ट होगा बीस परसेंट नीचे आ जाएगा तो भाई साहब समथिंग रियली रियली इंटरेस्टिंग राइट एंड ऑफ इट्स तो uh, स्टूडेंट्स okay. so uh, आप जैसे जानते हैं सात अगस्त को सी ए पी एफ है और सी एपी अलग आपका जो सी डी एस है चार सेप्टेम्बर को है और एफ कैट भी एंड ऑफ ऑगस्ट में है तो भी क्रैश कोर्सेज आ रहे हैं राइट तो बी रेडी फॉर इट एंड ज्वाइन कीजिए आज ही वक्त वेस्ट मत करना students, is, जो है curated by expert, reviewed by top educators, accessible anytime, anywhere, right? तो वो आप लोगों को मिलेंगे आइकॉनिक जो लेंगे उनको डोर पे पहुंचाए जाएंगे वो और प्लस लर्नर्स जो है उसको इन ऐप देख सकते हैं ठीक है तो स्टूडेंट्स कल एक फ्रेश न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है जी लक्ष्य सी डी एस टू ट्वेंटी ट्वेंटी राइट तो ये क्रैश कोर्स है ऑब्वियसली जितने नजदीक एग्जाम आ चुके हैं क्रैश कोर्स दिखाएंगे ठीक है स्टार्ट डेट उनतीस जून है विशाल सर हैं रतन सर राकेश नेगी सर मैं हिमांशु सर संदीप सर एंश्री पतीक सर एवरीथ वन एट योर सर्विस ये इसका लिंक है गाइस इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप इस लिंक पे से एनरोल कर लेना एनरोल करोगे सब्सक्रिप्शन मांगेगा सिद्धांत लाइव लगा देना बीस डिस्काउंट हो जाएगा कॉस्ट स्ट्रक्चर अगर आपको देखना है तो प्लस का ये है और आइकॉनिक का ये है आइकॉनिक में फायदा ये रहता है आपको प्रायोरिटी मिलती है हर चीज में राइट right? तो चलिए जी शुरू करते हैं एवरीवन वन सो एवर क्लास फटाफट से कर डालिए हमारी क्लास का एक प्यारा सा शक्ल एक बिंदास वाला स्माइल बना के भेजने का एंड वी आर रेडी टू रॉक ओके जी तो पहला क्वेश्चन देखो पार्ट्स ऑफ द स्पीच बहुत इजी टॉपिक है अगर समझ आ जाए तो बहुत इजी है अगर आपको पहचान है चीजों की तो भाई साहब

तो इट इज एज सिंपल क्रिस्प स्मूथ एंड क्लियर एज ठीक है तो लो जी आंसर इज क्लियरली पार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इट इज मस्ट फॉर ऑल द एम्प्लॉयज टू यूज दिस प्रोडक्ट भाई अब टेक्निकली अगर आप सोचे मस्ट क्या होता है एक मोडाल होता है लेकिन अगर आप ध्यान से देखें ये मुडाल नहीं है अ लगा हुआ है और आर्टिकल है आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ नाउन के तो आगे तो अपनी पोजीशन आगे तो बात खत्म हो गई तो अ मस्ट राइट तो मस्ट यहां पे क्या हो गया गाइस नाउन जैसे बहुत से ऐसे होते हैं वेट फॉर अ वाइल लव ना एक लम्हे के लिए एक एक मोमेंट राइट right? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आपको एग्जाम में

तो भाई साहब ये चीज जो है कंफर्म एक्जेक्टिव है जब भी सेंटेंस टफ लगे उनको कंपेयर करके देख लो किसी और सेंटेंस के साथ जिसके बारे में तुम्हें सब पता हो तो डेफिनेटली आपको उसका फॉर्म मिल जाएगा और आप आंसर कर देंगे तो एडजेक्टिव को क्वालिटी कौन दे रहा है भाई एडजेक्टिव को क्वालिटी देने वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं एडवर्ब बोलते हैं और हां डरना नहीं है देखो हार्डली बताते ना कितनी इंटेंसिटी इसी को सीडीएस ने पिछली बार इंटेंसिफायर बोला था और आपको पता नहीं क्या हो गया था ठीक तो है तो भाई साहब बिल्कुल इजी चीज है तो चौथा क्वेश्चन देखते हैं आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट टू कन्विंस हिम अब देखो गाइस लेवल बेस्ट टू कन्विंस हिम टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ठीक है ये किसकी पहचान है इंफिनिटिव वर्ब की तो इंफिनिटिव तो है नहीं भी वर्ब तो ऑप्शन में है ना लगानी पड़ेगी भाई सब क्या करें क्या करें भाई झुकना पड़ेगा ठीक है तो शाबाश बच्चा लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेल अब तुम बोलोगे सर टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भाई साहब ना क्योंकि टू जो है इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो इन्फिनेटिव मार्कर कहलाता है लेकिन टू अपने आप में बच्चा लोग एक प्रेपोजिशन भी तो है ना वो कैसे सर आई एम गोइंग टू चंडीगढ़ है ना आई एम गोइंग टू चंडीगढ़ तो भाई अपने आप में खराब है ठीक है ये भाई इन्फिनेटिव मार्कर भी होता है ये यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं आते प्रेपोजिशन है इस चीज में कोई दोराहे नहीं है और टू कुछ हो ही नहीं सकता तो मतलब हमने ये चीज क्लियर कर ली कि ये वाला टू जो है प्रिपोजिशन है हर एक प्रिपोजिशन को क्या चाहिए होता है उसका ऑब्जेक्ट हर एक प्रिपोजिशन को क्या चाहिए होता है उसका ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। और ऑब्जेक्ट कौन होता है या नाउन या नाउन ठीक है तो भाई अब सर बींग को नाउन कैसे बोले को नाउन कैसे बोले ठीक है तो इसके लिए याद रखना वर्ब के साथ, लगा के, जब वो नाउन का काम करते तो उसे क्या बोलते हैं ठीक है उसे वर्ब बोलते हैं वर्ब आपका नाउन ही होता है मार्क दिस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और इसको जितनी मर्जी बार कर लीजिएगा एंड कोई डाउट होता तो है ली पूछ लीजिएगा ठीक है और सेशन को लाइक तो कर दो यार चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा कर दीजिए मिस्टर शर्मा हैज कंप्लीटेड फाइव किलोमीटर रेस अब देखो बहुत बार कर लिया बहुत बात कर लिया ये कि भाई जब भी एक नाउन दूसरे नाउन के पहले आके उसको क्वालिटी दे यानी कि एडजेक्टिव का काम करे उससे क्या बोलते हैं जी

हमें पता है एक होते हैं ऑर्डिनल नंबर ये हमें रैंक बताते हैं कार्डिनल नंबर आप हमें नंबर बताते हैं राइट right? अब द सीन इज ये ना तो ऑर्डिनल है ना ये कार्डिनल है क्यों द लगा है ये सेकंड टाइम वाला सेकंड है पोजीशन वाला नहीं है ये नाउन है रे बाबा ये फर्स्ट जो है ये है ऑर्डिनल नंबर आपका ठीक है सावधान रहें सतर्क रहें ठीक है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चलो समटाइम्स वन हैज टू SACRIFICE ऑल हिज ड्रीम्स टू फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ वन चिल्ड्रन भाई साहब ये तो प्रोनाउन में ही करते हैं हम वन के बाद या तो वन आता है या वन जाता है राइट तो भाई वन यहाँ पे ऑब्वियसली क्या है जी प्रोनाउन है बात खत्म हो चलो बात कर लो जी नाइस बर ऑफ दीम हैजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स देखो एक होता है जी एक, अधर, एक हो होता है जी वन अदर राइट दोनों क्या है ईच अदर यूज होता है दो के लिए वन अदर दो से ज्यादा के लिए अब देखो गई सिंपल सी बात यह है पता है तो पता है नहीं पता तो नहीं पता है या नहीं आज दैट लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे क्योंकि आपको पता है गाइस हम दस क्वेश्चन करते हैं एक बार में और उतना इतना ठंडा हमारे लिए बहुत है अगर आप इसको मैं अभी हूं लाइव ठीक है अगर आप इसको प्यार देंगे तो आज रात को एक पार्ट ऑफ स्पीच का सेशन और मैं आपके लिए प्रीमियर कर दूंगा ठीक है आई डोंट फाइंड हो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अरे भाई नाउन ही तो होगा नाउन तो होगा ऑब्जेक्ट या नाउन होता है अपना होता है अपना तो ऐसा होने से रहा और कहीं वो काम मत करना बेटे आई टी वाई के साथ खत्म होने वाले शब्द वो क्या होते हैं नाउन होते हैं रियालिटी फॉर्मैलिटी स्पिरिचुअलिटी टोटैलिटी मतलब क्या है यार क्या गुंडे बने बे तुम राइट तो वेरी इजी थिंग राइट तो दस में से बच्चा लोग अपना स्कोर मुझे जरूर बता दीजिएगा जो भी स्कोर बना चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही करना है ठीक है एंड गाइस ये चीज देख लीजिएगा ये दस परसेंट के हिसाब से बना हुआ है देख लो बीस होएगा इस पर ठीक है ना तो ये रेफरल कोड इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब मजा आ जाएगा ओके जी आ, तो थैंक यू सो मच बच्चा लोग टेक केयर ऑफ योर जय हिंद